हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ एक फैमिली व्लॉग। फैमिली व्लॉग क्यों है, इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। मेरा कज़न है, वो इंडिया आ रहा है। कितने साल बाद आ रहा है वासी? 3 साल 3 साल बाद। मेरा कज़न 3 साल बाद कनाडा से आ रहा है और आज हम उसको रिसीव करने जा रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट। तो ये हमारी मासी हैं। मासी, कैसा लग रहा है? हेलो। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है। एक्साइटमेंट कुछ अलग ही अलग ही है। है ना? हाँ, बेटा 3 साल बाद आ रहा तीन है साल बाद आ रहा है। तो आज हम उसे लेने के लिए कहाँ जा रहे हैं? एयरपोर्ट। एयरपोर्ट। चलिए अब हम चलते हैं एयरपोर्ट। चल लेट्स गो। दिल्ली एयरपोर्ट। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है कज़न से मिलने की। पुलिस वाले भाई साहब का सामान गिर गया। मासी, इतने टाइम से वो खुद बना रहा था, अब क्या क्या खिलाने वाले हो उसको? बनेगा, सब बनेगा ना, सब कुछ बनेगा। चिकन भी बनाओगे ना फुल? सबसे पहले तो माँ की दाल बनेगी। माँ की दाल खाए बड़ा दिन हो गया। माँ की बनेगा, हाँ, माँ की दाल खाएगा माँ के हाथों से। जैसे जैसे एयरपोर्ट के नजदीक जा रहे हैं एक्साइटमेंट और बढ़ती जा रही है। खुशी है ना? खुशी है। कजन आ चुका है, लैंडिंग हो चुकी है, सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी हैं। अब वो अराइवल पे बाहर खड़ा है पिलर नंबर 15 पे, तो हमें 15 नंबर पिलर पे जाना है। टर्मिनल 2 और 3 के लिए ये रास्ता जाता है। ये अपने एरो सिटी के सारे 5 स्टार होटल्स आ गए। कौन सा आगे? फाइनली हम अराइवल की तरफ पहुंच चुके हैं और मासी हमारी की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है कि कब वो मिले और कब उसे गले से लगा लूं। चलिए अपना पिलर नंबर की तरफ चलते हैं। ये पार्किंग आ गई एयरपोर्ट की। ये ऊपर डिपार्चर पे जा रहे हैं, हमें नीचे जाना है अराइवल पर। ये लिखा था वहाँ पे, यहाँ अराइवल लिखा होता है। फाइनली मच रखूं सक्सेस में।
देखो क्या भैया, क्या हाल चाल है भाई। ये हमारा ऋतिक भाई हमारा आ गया 3 साल बाद है ना। ऑलमोस्ट भाई 3 साल पहले गया था, मेरे जैसा गया था, अब फिट होके आया वहाँ से। चलो लगेज उठाते हैं इसका। कैसा एक्सपीरियंस रहा बाइक का? बड़ा बकवास था क्या? टायर्डनेस होगी बहुत? टायर्ड थी बहुत ज़्यादा। फ्लाइट कितने घंटे की फ्लाइट थी? 14.5 आवर्स। और वहाँ से विनीपेक से टोरंटो की 2.5 आवर्स, मतलब 2.5 घंटे लगे विनीपेक से टोरंटो, टोरंटो से इंडिया के लिए। टोटल 17 आवर्स की फ्लाइट थी। ड्राइविंग करता हूँ यहाँ पे, नहीं एक दो दिन में थोड़ा हो जाएगा। अभी स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, स्टीयरिंग उस तरफ होता है ना वहाँ पे। हाँ, सब कुछ होता है। ड्राइवर सीट में ही बैठा हूँ। हाँ, अपनी तरफ से ड्राइवर सीट पे बैठा है। वहाँ पे एसी साइड गाड़ी चलाता है ना। हाँ, वहाँ पे कौन सी गाड़ी है? अकॉर्ड है, होंडा अकॉर्ड है। वहाँ पे स्टीयरिंग इस तरफ है उसका, है ना। यस, थोड़ी प्रॉब्लम आएगी अभी यहाँ पे, एक दो दिन आएगी, ज्यादा ही आएगी। और जब ये कनाडा गया था ये तो मेरे जैसा था, ये तब ये मुझे गोदी उठा लेता था, मैं इसको उठा लेता हूँ। अब ऐसा हो गया। हाँ, उस टाइम ये था 110 kg, और अब मैं बिलो 80। बताओ कितना कम हो गया 3 साल में ना, 20-30 kg वेट गिर गया है, पर ठीक है, फिट है। हाँ, है ना। हाँ, ठीक है। अब मैं बचपन की तरह गोदी में फिर उठा सकता हूँ इसको। पर आया बहुत थोड़े टाइम के लिए, है ना। 10 दिन 10 दिन के लिए आया, और अपनी मम्मी यानी मेरी मासी को साथ ले जाएगा कनाडा। एक एक करके सबको ले जाएगा। अब क्या खाना है अभी? कुछ सोचा होगा इंडिया में जाके क्या क्या खाना है? वहाँ तो खुद बनाना खाना था। पूरी लिस्ट बनी हुई है भाई की खाने की। तो मेन मकसद ये है इंडिया में खाना खाने का। इंडिया फूडी बन, दोबारा बन जाए। दिल्ली के हैं सारे बंदे, सारे फूडी, सबको खाने का होता है। विनीपेग में दिल्ली के हैं, जिनको पता लगा मैं इंडिया जा रहा हूँ, सबकी एक रिक्वेस्ट, आते मोमोस चाहिए। सब मान जाएगा। एक एक बंदे की रिक्वेस्ट, जहाँ ये रहता है वहाँ के जो दिल्ली के लोकल हैं वो बोल रहे हैं कि इंडिया जा रहा है तो एक प्लेट मोमोस ले आइयो, जैसे द्वारका। हाँ, जैसे दिल्ली में बैठे हुए हैं। सही है, घर ले जाते हैं इसको, थोड़ा सा फिर दोबारा नियर अबाउट 90 kg करते हैं। तो वहाँ वेदर कैसा हो रहा है? वहाँ पे वहाँ ठंडा हो रही है, स्नो होने वाली है। तो टेम्परेचर क्या है, माइनस में चल रहा है अभी? रात में होता है -5 -7, दिन में 1 या 2 degree होता है। अच्छा, दिन में 1 या 2 degree और रात में माइनस में चले जाता है। आसपास ऋतिक ने गाड़ी पकड़ ली। हाँ, कैसा लग रहा चला के? कोई कंफ्यूजन लग रही है? कंफ्यूजन है बहुत। है कंफ्यूजन? ये मेरा खुला था, देखा मैंने। कोई नहीं, पूरा ऊपर से घूम के आ जाएंगे। कौन सी स्विच थी वो यहाँ से मुड़ना था? डीजल चलता है ना। छोटा वाला किसके हो? तो जी फाइनली घर पहुंच गए हैं, कजन को भाई को घर ले आए हैं। अब बहुत टायर्ड हो चुके हैं, खाना भी ना खाएंगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।